खबर मध्य प्रदेश उज्जैन से। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के नए दर्शन परिसर में महाकाल लोक का लोकार्पण किया। रक्षा सूत्र से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्रतिमा से मोदी ने रिमोट से आवरण हटाकर महाकाल लोक को देश को समर्पित किया। इस दौरान पूरा परिसर जय घोष से गूंज उठा। इसके बाद पीएम मोदी ने महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। इससे पहले पीएम मोदी ने बाबा महाकाल मंदिर के गर्भ गए पहुंचकर दर्शन और पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ पूजा करवाई। पीएम मोदी मंदिर में करीब आधे घंटे तक रहे, महाकाल के सामने 3 मिनट तक ध्यान लगाया। इस दौरान पीएम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्र मंत्री ज्योति राधे सिंधिया और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद रहे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।